हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में है आटे का हलवा। तो देखिए, आटे का हलवा तो सभी को पसंद है, लेकिन वही आटे का हलवा जो दानेदार बने तो खाने का टेस्ट है और भी चार गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, आटे का हलवा है और दानेदार कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसे अच्छे से पोंछ लिया है कपड़े से, और मैंने एक कटोरी आटा लिया। ये नॉर्मल आटा है जो हर रोज़ रोटी बनाते हैं, ये कोई दाने वाला आटा नहीं है। जो दानेदार आटा होता है मोटे वाला, वो नहीं है, ये नॉर्मल आटा है। लेकिन इसी से हम दानेदार हलवा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सूखा आटा भूना है कढ़ाई में, बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। इसे लगातार चलाते जाएंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर एक ही चीज़ से मेजरमेंट करनी है आपको। आटा जैसे एक मैंने कटोरी ली है, आप कप या कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। तो एक कटोरी आटा लिया है, तो एक कटोरी चीनी शुगर और एक ही कटोरी है जो घी लेंगे। यहाँ पर आटा है जो मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फिर से मैंने उसे कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं, इसी कटोरी से मैंने आटा लिया था और उसी कटोरी से मैंने घी लिया है। घी थोड़ा सा ये कम है, क्योंकि घी पिघलने से इसकी क्वालिटी है थोड़ी, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है। और यहाँ पर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम और ये सूखा नारियल। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, पिस्ता, काजू, जो आपके पास हो। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने इन्हीं को डाल लिया है। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, बिल्कुल आधा 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हल्के से भून लिए मैंने इनको, फटाफट निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इनका कलर चेंज हो जाता है। इनको फटाफट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने किशमिश भी डाल दिए हैं, इनको मैंने बाद में डाला है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और अब इसी घी में डालेंगे हम इस आटे को। आटा तो हमने भून ही लिया था, लेकिन इसको और 2 मिनट के लिए अच्छे से आटे में घी को अच्छे से चला लेंगे इसको। और इस तरीके से आप आटे का हलवा बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही दानेदार और इसका टेस्ट है तो 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसे लगातार मैंने 2 मिनट चला लिया है, और ये देखिए, इसी कटोरी से मैंने ये शुगर लिया है, चीनी। तो इसे भी इसके अंदर डाल लेते हैं, चीनी हमारी है जो पिघल जाएगी इसके अंदर 2 मिनट के अंदर ही। तो यहाँ पर एक कटोरी आटा लिया था, तो मैंने 2 कटोरी है जो पानी डालेंगे इसके अंदर। अगर कोई भी चीज़ है मेजरमेंट से बनाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनती है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट है जो, ये भी मैंने काट लिए थे, इनको भी डाल दिया मैंने। और यहाँ पर अब डालेंगे पानी, ये देखिए 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप देख पा रही हैं इस हलवे को, लेकिन ये बाद में अपने आप ही कढ़ाई छोड़ने लगेगा और बिल्कुल मस्त हलवा बन जाता है ये। इस तरीके से आप बनाते हैं। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल लगातार चलाते रहना है कम फ्लेम पे। और ये देखिए, 3 से 4 मिनट बाद ही हलवा है जो हमारा कितना अच्छे से बन गया है। ये बहुत ही दानेदार और मस्त हलवा बना है। तो ये देखिए, कढ़ाई भी अपने आप छोड़ने लगा है। तो आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। और इस होली आप इंजॉय कीजिए, इस हलवा की रेसिपी को बनाइए। और ये देखिए,
ये इस तरीके से बना है। और इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये दानेदार है। धन्यवाद।